भाई लड़की मिल गई। जिस दिन मैं प्रोड्यूसर बना हूं मेरी जिंदगी तो कुत्ते की तरह हो गई है। हीरोइन को कुछ हुआ तो मेरा दिल धक 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 करने लगेगा और मेरी शूटिंग का पैकअप। तुम्हारी बेटी एक्टिंग बहुत अच्छा कर रही है, मेरे साथ काम करेगी तो सुपरस्टार बन जाएगी। ये क्या रे? चलो डांस का रिहर्सल करना है, मैडम आ रही है। हे भगवान आपने बचा लिया। ओ प्रोड्यूसर साहब, एग्रीमेंट में रिहर्सल की कोई बात नहीं थी, इस एक्स्ट्रा टाइम के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट चाहिए मुझे। एग्रीमेंट देखो। ए प्रोड्यूसर ने बिरयानी भेजने को बोला है, जा जल्दी से लेकर आ। हाँ गरम गरम लाना, बीच में खाना मत। यस सर, लाता हूँ सर। क्यों जी, दरवाजे के पास क्यों खड़ी हो? भवानी भाई आपका भाई। भाई मैंने बोला ना, मैं आपके पैसे रिटर्न करने का इंतजाम कर रहा हूँ। डैडी छोड़ो मुझे, हेलो हेलो, मैं भोला यादव बोल रहा हूँ। जानता हूँ काम क्या है, बोलो। मेरी बेटी को भवानी उठा कर ले गया है। क्या बात बोल रहे हो? देखो जल्दी मत करना, किसी को बताना नहीं, नहीं तो नाम खराब हो जाएगा। और पुलिस को भी मत बताना तुम, मार्केट में ये बात लिखो गई तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे होम मिनिस्टर जानते हैं, मैं उनसे बात करूंगा, डोंट वरी। हाँ समझे? तुम्हारी फिल्म में क्लैप मारने को बोलो मारूंगा, कैमरा स्विच ऑन करने को कहोगे करूंगा, 100 डेज फंक्शन में बुलाओगे आऊंगा। ये मामला बहुत मुश्किल है, देखो भवानी बहुत बड़ा गुंडा है, पूरे बनारस एरिया में हमारे किसी भी काम में वही आगे आएगा और नहीं आएगा तो नहीं आएगा। उसने अगर चैलेंज किया है तो वो अपनी बात को पूरी करेगा। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वो मेरी बेटी है। कुछ नहीं होगा, 4 दिन आंख बंद करके बैठो, वो खुद ही छोड़ देगा। ये क्या बोल रहे हैं, मेरी बेटी है वो। पहले मालूम नहीं था क्या भवानी से पैसे लेने का अंजाम? वो क्या है कि मैंने सपना देखा था मेरी बेटी बहुत बड़ी हीरोइन बन जाएगी, इसलिए। मैंने सपना देखा था कि चीफ मिनिस्टर बनूंगा, बना क्या, होम मिनिस्टर बन के रह गया। अरे अरे आप कुछ कीजिए ना, इनसे कुछ कहिए। हाँ करवाइए, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, अभी मेरी मीटिंग है चीफ मिनिस्टर के साथ, मैं चलता हूँ। हाँ चलता हूँ। सुनिए 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 मिनिस्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए। अरे मेरी बात सुनिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पकड़ता हूँ, मेरी बेटी को छुपा दीजिए। मिनिस्टर साहब मेरी बात सुनिए। हेलो हेलो हेलो। अरे हो मिनिस्टर साहब, तो ऐसे ही चले गए, अब मेरा और मेरी बेटी का क्या होगा, आपकी फिल्म का क्या होगा? इतनी जल्दी है तो खुद जाके बचा के लाओ। अरे वो तो मुझे मार डाले। डर गए? तुम्हारी बेटी को बचाने में जब तुम खुद इतना घबरा रहे हो तो उसे बचाने कौन आएगा? हे भगवान। बोलिए अंकल। तू वहाँ क्या कर रहा है? वो बहुत डेंजर जगह है, तेरे को मालूम है क्या? ये क्या, टेलीस्कोप से मुझ पर नजर रख रहे हैं? कोई दूसरा काम नहीं आपके पास? ये आपकी काम करने की उम्र नहीं है, घर जाके आराम कीजिए। ए तू मेरी उम्र के बारे में बात मत कर वरना बहुत मारूंगा, ये मेरी स्टील बॉडी है, स्टील बॉडी। ठीक है आपकी मर्जी। ए ये दिन पर दिन केयरलेस होता जा रहा है। कितना भी समझाओ समझता नहीं है।
विजय काम खत्म हो गया क्या? सब जगह बम लगा दिया है, 150 बम एक साथ फूटेंगे। तो मैं सायरन बजा कर आता हूँ। चल ला टिफिन दे। अंकल कहाँ हैं? वो अभी तक नहीं आए। जब मैंने उनसे बात की थी तो बोले कि मैं आ रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया, वो आसपास ही कहीं होंगे। अंकल, 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 कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। अंकल, अंकल बोले, बम 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 बम, क्या हुआ विजय? अंकल बम के बीच में फंस गए। अंकल, अंकल फंस गए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? चलो मुझे, चलो। अंकल, रिपोर्ट देकर पता चला है जल्द ही बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी, अगर ऐसा नहीं किया तो जान को खतरा होगा। सर्जरी में 3 लाख रुपए खर्च आएगा। आप क्या सोच रहे हैं? नहीं सर, कुछ नहीं सर। आप ऑपरेशन की तैयारी शुरू कीजिए, मैं पैसे लेकर आता हूँ। मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है सर, ये बात अंकल को पता ना चले। ओके, थैंक यू सर। आपके पति को चर्बी बहुत ज्यादा चढ़ गई है, अब उसे कम करना होगा। डॉक्टर इसे काट कर निकालेंगे। तेरे डराने से मैं डरता नहीं हूँ, जो करना है वही करूंगा, जो खाना होगा वही खाऊंगा। आपको जो कुछ भी खाना है डॉक्टर आकर बताएगा, तब तक आप चुप रहिए, रेस्ट कीजिए। बेटा, तुम्हारे चाचा को कुछ ज्यादा तकलीफ तो नहीं है ना? ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? उसमें कितना खर्चा आएगा? कितना खर्चा है इससे क्या आंटी, आप लोगों ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, क्या मैं इतना नहीं कर सकता? आप टेंशन मत लीजिए, अंकल के पास रहिए, जाइए जाइए। नमस्कार, मुझे नहीं पहचाना कि मैं कौन हूं? मैं हूं सिन्हा, प्रोड्यूसर सिन्हा। कुछ नहीं है, तुम्हारे लिए काम है, साथ में आओगे क्या? तुमने कहा था कोई काम है, बता दे क्यों नहीं? कुछ नहीं है भाई, मैं कैसे बताऊं तुमको, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके, जल्दी बोलो। बताता हूं, वो भवानी है ना, शीलू को उठा कर ले गया है। अरे भाई, मेरी पिक्चर बीच में ही अटक गई है, मैंने कई जगह ट्राई किया पर किसी के साथ नहीं मिला। होम मिनिस्टर को भी बताया लेकिन उसने भी मेरा साथ नहीं दिया। विजय, अब शीलू को भवानी से तू ही बचा सकता है। इसीलिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया? किसी को कोई भी उठाकर ले जाए, उसे मुझे क्या लेना देना? क्या ये मेरा काम है? शीलू के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं उसे नहीं बचाऊंगा। यही आदमी उसे बचा कर ला सकता, तुमने यही बोला था ना? बोला? ये छोटा सा पिद्दी इंसान तुम्हारी बेटी का नाम सुनकर भड़क कर चला गया। तुम कहते हो उसे बचा कर लाएगा, वो कैसे बचा के लाएगा? वो कैसे बचा के लाएगा? यही लाएगा। मेरी बेटी को बहुत पसंद करता है ना, देखना बचा कर लाएगा। सच बोलते हो?
क्यों भाई, क्या सोचा है आपने? बचाऊंगा शिलू को, प्यार के लिए नहीं बल्कि पैसों के लिए बचाऊंगा। पैसा? पैसों का क्या मतलब? पैसों की चिंता मत करना, बोलो कितना पैसा चाहिए तुमको? वापस आकर बताऊंगा। ये लीजिए सिगरेट। पेंबरती है क्या? गाड़ी तो यहाँ रुकती नहीं है, फिर क्यों रुकी? अरे भाई मुझे पता नहीं। जब तुम्हें मालूम नहीं है तो यहाँ बैठे क्या कर रहे हो, जाकर मालूम करो। हाँ हाँ जाओ। अरे क्या है अंगूठी? ओ ये चांदी की अंगूठी है, इसे फेंकना मत, पहन लो। हाँ तुम्हारे पिताजी ने पहली बार कुछ दिया है, इसे संभाल के रखना। सर आगे लाइन खराब हो गई है, 2-3 घंटे का टाइम लगेगा, तब तक आप वेटिंग रूम में आराम से बैठिए, मैं चाय पानी का इंतजाम करता हूँ। सर आइए सर। बेवकूफ कहीं का, ए, चल चाचा को फोन लगाकर बात करा, जल्दी लगा। अभी लगाता हूँ भाई। कौन है ये? दास का बेटा भवानी है। इतने लोगों को साथ लेके चल रहा है, कोई बड़ा आदमी है क्या? अरे जरा धीरे बोलो, इसका बाप इस एरिया का राजा है, तुम नहीं जानते? कहाँ जा रही हो? बारिश हो रही है ना, तुम्हारे पिताजी देखेंगे तो? मेरे पिताजी यहाँ नहीं, वहाँ पर बिजी हैं। देखो तो
तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। चलो पता कर कौन है। अरे ट्रेन छूट रही है, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? पिताजी नहीं आए? नहीं। अरे क्या हुआ, कुछ ढूंढ रही हो? नहीं पिताजी, अभी तक नहीं चढ़े। तुम्हारे पिताजी नहीं चढ़े? तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। तुम्हारे पिताजी कैसे दिखते हैं? पिताजी की तरह है। वो नहीं, देखने में कैसे हैं? गले में गमछा है और पीले रंग का कुर्ता पहना हुआ है। ठीक है ठीक है, मैं देखता हूँ। आपने किसी को देखा है जो लाल गमछा और वो पहना हुआ है? नहीं देखा। नहीं आपने देखा किसी को? अरे वो गए किस तरफ थे? यहाँ देखो, यहाँ इस तरफ, वहाँ। हाँ ठीक है मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। हाँ जल्दी देखो। अरे सुनिए गाड़ी रोकिए, कोई छोड़ी है? नहीं रुक सकती भाई। अरे लेकिन कोई छोड़ी है उसको कैसे? अरे आप गाड़ी रोकिए ना, गाड़ी नहीं रुक सकती आप। पिताजी आप यहाँ है तो कहा होना चाहिए, गाड़ी के नीचे। चल अंदर चल के बैठ। आपने किसी को देखा? सुनिए। हाँ मैं ढूंढ रहा हूँ। मेरे पिताजी आ गए हैं, आप आ जाइए। हाँ देख रहा हूँ देख रहा हूँ। अरे नहीं, मेरे पिताजी आ गए हैं। चिंता मत करो, ढूंढ के ले आऊंगा। मेरे पिताजी आ गए हैं। क्या तुम्हारे पिताजी ऊपर है? मैं आ रहा हूँ। रुको रुको। अरे जल्दी। पिताजी आप कैसे हैं? तुम सब लोग बाहर जाओ, मुझे अपने बेटे से बात करना है। मैं बोल रहा हूं, तुम भी जाओ। मैं बेटा मैं मरने वाला हूं, मुझे मर कर भी शांति नहीं मिलेगी, मैं जानता हूं। मैं लोगों का खून पीते आया हूं, सब कुछ करना, मगर औरतों की बद्दुआ कभी मत लेना। मैंने जो किया उसकी देन मेरी एक दूसरी औलाद भी है। मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूं कि मेरे जायदाद में आधा हिस्सा उसे भी मिलना चाहिए, ये मैंने डिसाइड किया है। काशी को तुम उसका हक दोगे, ये मुझसे वादा करो तुम। ऐसे क्यों देख रहे हो तुम मुझे बेटा, बोलते क्यों नहीं तुम? भवानी उसका हक दोगे ना तुम? जिस तरह तुम मेरे बेटे हो, काशी भी मेरा बेटा है। मेरे मरने के बाद उसका ध्यान रखना। रखोगे ना तुम उसका ध्यान? रखोगे ना बेटा? भवानी 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 रखेल का बेटा मेरी बराबरी करेगा क्या? इतने अच्छे इंसान थे तुम्हारे पिता, अच्छी तरह से जिए, अच्छी तरह से मर गए। आज मैं होम मिनिस्टर बनाऊं तो उन्हीं की बदौलत। आज से जितने इंपॉर्टेंट तुम्हारे पिताजी मेरे लिए थे, उतने ही इंपॉर्टेंट तुम भी मेरे लिए हो। अगर तुम्हारा सपोर्ट मेरे साथ रहेगा तो अपने जितने आदमी भी सेंट्रल जेल में है, तुमको जब भी जरूरत पड़े मुझे बोल देना, मैं छुड़वा दूंगा। अभी मेरी मीटिंग है कलेक्टर के साथ, मैं निकलता हूँ, तुम यहीं पर रुको। हाँ
सुनो माँ, ये मेरा भाई है, आज से मेरे साथ रहेगा। भाई, बड़े भाई। उठो भाई, आओ चले पिताजी को प्रणाम करें। यही है तुम्हारे पिताजी की रखेल और उसके साथ है उसका बेटा। गन 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 कितना डालू? एक लीटर। इसको एक से क्या होगा, दो ले लो ना। पैसा नहीं है। अपने लोगों के बीच पैसों की क्या बात है, सुनो एक लीटर का बिल दे। तुमने दो डाला, मैंने देखा। अरे तुझे दिखाई नहीं देता क्या, ये लेडीज मेरी खास है। तो फुल कर दो। फुल टैंक करूंगा तो फिर नहीं आएगी, तू नहीं समझेगा, अभी बच्चा है। मुझे भूल गई हो क्या, आजकल दिखाई नहीं देती हो तुम। नहीं तो परसों ही तुम्हें याद कर रही थी। तो मैं कल याद आया क्या, जब मैं चिड़ियाघर नहीं गई थी। पर्सनल। अरे विजय, ए कब आया रे तू, ए विजय। हाय विजय, कैसा है? दिखता नहीं, मैं आ रहा हूँ। ऐसे चला क्यों रहा है? अरे ये तो मेरी आदत है, तू अचानक कैसे आ गया? तेरा इंटरव्यू था ना, उसका क्या हुआ? फेल हो गया। ये क्या है रे? मिस हो गई रे, मिस हो गई। इतनी सुंदर थी क्या? इतना स्लो क्यों पूछ रहा है? कितनी खूबसूरत थी, कैसे बताऊं यार, पता है भगवान ने फुर्सत से बनाया। दो लीटर पेट्रोल। ए रुको भाई, इंपॉर्टेंट बात चल रही है, बोलो। मिस हो गई थी तो क्या वो दोबारा नहीं मिली तुझे? चांस ही नहीं मिला यार। चांस क्यों नहीं मिला, तो पता करो ना। वही तो समझ में नहीं आ रहा है। अब समझना क्या, वो नहीं मिलेगी उसे भूल जा। अरे भाई क्यों डिस्करेज कर रहे हो, एनकरेज करो। देखो मिस्टर सलीम। विजय क्या बात कर रहे हो, अपनी अनारकली को ढूंढ रहे हो तो तुम सलीम ही हुए ना। देखने में तो अच्छे खासे ठीक ठाक दिख रहे हो, फिर इनकी बातें क्यों सुन रहे हो तुम? ये बात सुनो, लड़की मिस हो गई है तो निराश मत हो, बल्कि उसे ढूंढो ढूंढो, ढूंढने से सब कुछ मिल जाता है। ये सलाह देने वाले आप कौन है? मैं भोला यादव, मेरा बहुत नाम है, मैं बनारस में सेट होने के लिए तो आया हूँ। अच्छा बनारस में सेटल होने के लिए आए हैं। अच्छा बनारस में नींबू का क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नींबू बोलते हैं। ज्यादा मत बोल, दो लीटर पेट्रोल डालता हूँ। बाबू इधर पत्ते खेलने का क्लब किधर है? पड़ता है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ढूंढने से सब कुछ मिल जाता है। तुम्हारा चेहरा मुझे पसंद नहीं है। मुझे भी तेरा चेहरा पसंद नहीं आ रहा है। कितना हुआ? 68। कितना? 68। 60 रुपए है, चेंज रख लो। थैंक्स। ये क्या रे, 8 रुपए कम देके करा छूटे रख लो। बहुत बड़ा दामाद है, यहाँ वहाँ जाकर पत्ते खेलता है और सारा पैसा उड़ा देता है और अंत में घर बदलते रहता है। लोग जब पैसे मांगने आते हैं तो चूहे की तरह छुप जाता है, हम लोगों से झूठ बुलवाता है। उन्हें कह दो भोला यादव घर में नहीं है, इसके चक्कर में हम कब तक झूठ बोलते रहेंगे? हाँ नानी माँ, आप तो पिताजी को अच्छे से जानती है ना, फिर इतना गुस्सा क्यों? हाँ शांत हो जाइए। पहले तुम्हारी माँ भी उसका सपोर्ट करती थी, अब तुम भी सपोर्ट करने लगी। न जाने किसे और कहाँ इस समय बेवकूफ बनाता होगा, कहाँ भटक रहा होगा, कब आएगा ये भी नहीं मालूम। आ गया। ऐसे मत देखो सासू जी, नजर लग जाएगी। अभी पूरे राज्य में कोई काम नहीं है और उधार देने को भी कोई तैयार नहीं, ये तो सरासर मुझ पर अन्याय हो रहा है ना। इसलिए मैंने सोचा कि सासू जी के पास चला जाए। हाँ, ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं, घर में जवान बेटी बैठी है, उसकी शादी करनी है, इसके बारे में सोचो। ये मेरी बेटी तो राजकुमारी है, कोई भी राजकुमार आएगा उल्टा मुझे पैसे देकर मेरी बेटी से शादी कर लेगा, यही मेरा कन्या टैक्स है। क्यों सासू जी, क्यों आप चिंता करती हो? क्यों रे, अब मैं इसे पी के सारे गम भूल जाऊंगा। इसे समझाने से कोई फायदा नहीं। क्या हुआ महेंद्र? भाई वो लड़की बनारस में ही है। ए, देखता नहीं कर्मकांड हो रहा है, थोड़ी देर बाद बात करना। तू बोल। भाई उसका बाप बहुत बड़ा आयास है, सुबह जाकर क्लब में पत्ते खेलना, दारू पीना, यही सब उसका काम है। भाई लड़की के बाप को हैंडल करना बहुत इजी काम है, बस एक बार आप इशारा कर दो। चाचा जी
मैं जिंदगी में पहली बार शादी करने की सोच रहा हूँ, मुझे वही लड़की चाहिए। ए, उसे बहुत समझदारी से हैंडल करना। ओके भाई। पैसे दो। कितना? 10 रुपए। ये लो, जरा ये बैग पकड़ो। मेरे दोनों हाथ भरे हैं, जीजा जी को दो, वो खाली हैं। वो ऑलरेडी पूरे फैमिली को पकड़े हुए हैं, तुम बैग पकड़ो। नाना जी, मम्मी ने तो आपको खच्चर बना के रखा हुआ है, अच्छे लगते हो। दीदी आप कहाँ? रुक रहे, बैंगन खरीदने। कैसा भाव? पूरा बाजार खरीदना है क्या? ये सब लोग क्या देख रहे हैं? क्या रे? हेलो, ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो? पसंद आ गई क्या? ए, जिसकी वजह से मेरी गाड़ी छूटी थी, ये लड़की वही है। वही गाड़ी वाली? हाँ वही है। ए, तू मेरा एक काम करेगा, किसी तरह दीदी और जीजाजी को यहाँ से लेकर चला जा, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, पर तुम मुझे चॉकलेट दोगे क्या? दूंगा दूंगा दूंगा, जो मांगोगे दूंगा। मम्मा! क्या रे, क्या हुआ? मम्मी मुझे लगी है जोर से लगी। दीदी दीदी, इसका पैन खराब हो जाएगा, इसको जल्दी लेकर जाइए। अरे इसको दो नंबर लगे, समझती क्यों नहीं आप? लेकर जाइए इसे जल्दी। सुनिए, जल्दी चलिए, चलो जल्दी। अरे रास्ते में पैन खराब मत करना, आराम से जाना। पहचान लिया? हाँ, तुम भी बनारस में ही रहते हो? बनारस नहीं, मुगल सराय का हूँ, मार्केटिंग करने आया हूँ। ओह, क्या? मेरा नाम विजय है, हाइट 6'2" है, पॉलिटेक्निक किया है। अब तुम अपना नाम, हाइट और एड्रेस जल्दी जल्दी बता दो। इतनी जल्दी है क्या? जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि उस दिन की तरह मिस ना हो जाओ। ओह सॉरी जी, उस दिन मेरे पिताजी ट्रेन के अंदर ही थे और मैं। अरे वो सब बातें छोड़ो, ये बताओ क्या तुम कभी थकती नहीं हो क्या? उस दिन तुम जब ट्रेन में मिली थी तब भी डांस कर रही थी और अभी तक डांस ही कर रही हो? क्या मैं? और नहीं तो क्या? मेरी नजर में मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाना चाहता हूँ। मेरे दोस्त कहते हैं कि दुनिया में ऐश्वर्या से सुंदर कोई लड़की नहीं है और मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ कि उससे भी सुंदर तुम हो। मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, मैंने तुम्हें ऑलरेडी इम्प्रेस कर दिया है। तुम्हें बारिश बहुत पसंद है क्या? नहीं, बारिश मुझे पसंद करती है और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। करेक्ट है ये, मुझे भी यही लगता है। हम दोनों जब पहली बार मिले तब बारिश हुई और दूसरी बार मिल रहे हैं तब भी बारिश हो रही है। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बारिश हम दोनों को किसी रिश्ते में बांधना चाहती है, इसलिए हमें वो बार बार मिला रही है। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, बारिश का मौसम है इसलिए बारिश हो रही है बस। बारिश से मुझे याद आया, आओ मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी जगह दिखाता हूँ। कौन सी? गंगा के किनारे पे, वहाँ की बारिश है ना बहुत खूबसूरत लगती है। अच्छा? गिरती हुई बारिश, एक तरफ मंदिर एक तरफ रेत, बीच में नदी, मंदिर से रेत को देखना बहुत अच्छा लगता है। देखना चाहोगी तुम? देखोगी? सचमुच इतना अच्छा लगता है क्या? चलोगी तब तो पता चलेगा। अभी चले? बारिश हो रही हो उसी समय देखना चाहिए, प्लीज एक बार चलो ना मेरे साथ। बारिश तो बंद हो गई, फिर कभी चलेंगे। कहाँ जा रही हो? तुम्हें बताना जरूरी है। पता नहीं फिर कब मिलोगी इसलिए। फिर जब बारिश होगी तब मिलेंगे। क्या बात है, ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम ही ने तो कहा था कि हम दोनों को बारिश मिलवाती है, अगर बारिश ने फिर मिलवाया तो मैं समझ लूंगी कि हम दोनों के बीच में जरूर कुछ है। अभी मैं चलती हूँ। क्या बंगला है रे, बिल्कुल राजमहल जैसा है। अभी तुमने देखा कहाँ है, आगे बहुत कुछ देखना है। क्या रे?
ए, डरता क्यों है? मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। चोरी करने वाला डरता है, तू क्यों डरता है? कुत्तों से डर लगता है। बाप रे, इतना पैसा कहाँ से आया? ए, भवानी भाई, भाई इसका नाम भोला यादव है, अपना बहुत अच्छा दोस्त है, आपसे मदद मांगने आया है। डरो मत, हम दोनों का खून का रिश्ता बन गया है। ए, पूछना। साहब, मैं पूरा स्टेट घूम घूम के आया हूँ, मगर मुझे कोई भी एक रुपया देने को तैयार नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन जब किस्मत बदलने लगी तो आप मिल गए मुझे। काम की बात बोलना। साहब, वो है कि मुझे थोड़ा पैसा उधार चाहिए। चाचा जी, देना। उठाया इतना था और दे इतना सारा है। लो। साहब, मुसीबत में मेरी मदद की है, अगर कल मेरे घर खाना खाने आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ए, मेरा बेटा तेरे घर खाना खाने क्यों आएगा? लिमिट में रहो। इतने प्यार से बुला रहा है, हम समय निकाल कर जरूर आएंगे। साहब, आपने कह दिया तो समझ लिया, आ गए। ए, थोड़ा समय और रुका तो गाना भी गाने लगेगा, जाओ यहाँ से। नहीं सर, मुझ में ऐसा क्या देखा जो इतने पैसे दे दिए? इसीलिए हम गिरवी रखकर पैसा देते हैं, तुम्हारे पास सोने जैसा जेवर होना तो चाहिए। मेरे पास ऐसा क्या है? मेरा दिल ही सोने जैसा है। मौजी, तुकाराम स्पीकिंग। बारिश किधर है? बारिश का स्टॉक नहीं, आउट ऑफ स्टॉक है। बारिश आउट ऑफ स्टॉक क्यों है स्टूपिड सन्यासी, गंदा इंसान? स्टूपिड सन्यासी सभी मुझे कहते हैं, मगर तुमने पहली बार मुझे गंदा इंसान कहा, तुम कौन हो? 40 घंटे 6 मिनट 8 सेकंड में बारिश होने के बारे में कहा था, स्टूपिड बारिश क्यों नहीं हुआ? अच्छा बेटा, तो तुम हो प्यार का बीज, मेरे बुलाने से वो आ जाए? वो मेरी बीवी थोड़ी है, मेरी बीवी बुलाने पे नहीं आती। किसके बुलाने पे आती है? बारिश है मेरी बीवी। आपकी बीवी के बारे में बात करते हैं, बारिश कब होगी बता? बारिश तो आने वाली थी बाबू, मगर हवा का रुख भुवनेश्वर से बदल कर बांग्लादेश की ओर चला गया, इसलिए वो वहाँ चली गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम बांग्लादेश क्यों नहीं चले जाते? पासपोर्ट नहीं है ना बाबू। पासपोर्ट क्या रे बटला, मैट्रिक फेल ग्रेजुएट चुकर। बाबू, इतने अच्छे अच्छे शब्दों में मुझे गाली दे रहे हो, तुम फोन रख दो, मैं अपना जॉब से इस्तीफा देकर जोशी की दुकान खोलूंगा। तू ज्योतिष के लायक भी नहीं है, फोन रख। हे इंद्रदेव, इतने दिनों से किसान लोग तुमसे प्रार्थना करते थे, मगर अब प्यार करने वाले भी तुमसे प्रार्थना करने लगे। मदद करो इंद्रदेव। ये क्या विजय, फोन रखने से बादल गरजने लगे, आई बारिश होने लगी। अरे विजय, बारिश में मिलने को कहा, मगर कहाँ मिलेगी ये तो बताया नहीं, मैं बहुत टेंशन में हूँ यार, कुछ समझ। ए, समझना तो मुझे है रे, तू क्यों बेकार में ओवर एक्टिंग कर रहा है? तू अपना मुंह बंद रख, मुझे मालूम है कहाँ जाना है। विजय, नानी माँ, मैंने कहा था ना आपसे कि बारिश होगी। अब बारिश आ गई है, मुझे छोड़ो, मुझे पकड़ कर क्या फायदा, जाकर उस लड़के को पकड़ो और बताओ तुम कहाँ मिलने वाले हो। तुम लोगों ने कहीं मिलने का वादा किया है क्या? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। समझ में मुझे आना चाहिए, आपको नहीं। मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है, मैं जा रही हूँ, बाय। कौन है आप? क्या है, दरवाजे के सामने ऐसे क्यों खड़ी है? साहब अंदर आइए, आइए 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 आइए, अंदर आइए आइए, सब आइए, इधर बैठिए बैठिए, साहब बैठिए। मैंने बड़ी मेहनत से ये घर बनाया है। ए, आ आ आ आ, आ इधर आ। ये भवानी जी हैं, बहुत बड़े आदमी हैं और ये बहुत बड़े दिलवाले भी हैं, पूरे शहर पर इनका राज है। ये किसी के घर नहीं आते मगर हमारे घर आए हैं। शीलू मेरी बेटी है, जाओ कॉफी लेकर आओ बेटी। ये अभी डांस सीख रही है। अरे बेटी, ये गुंडों को लेकर क्यों आया है? ये मेंढक अपने साथ सांप को लेकर क्यों आया है? तुम यहाँ से जल्दी जाओ नहीं तो बारिश रुक जाएगी। जाओ, मैं कहती हूँ। वो मैं दे दूंगी, तुम जल्दी जाओ। क्या रे, तुम इतने आराम से क्यों जा रही हो? पता नहीं वो लड़का मिलेगा या नहीं, जल्दी जाओ जाओ। अरे इसको क्या हो गया?
ये कॉफी कॉफी। ये मेरी सासू माँ है, कहने को तो मेरी सास है मगर मेरी माँ से बढ़कर है। अरे बूढ़ी दादी कॉफी लेकर क्यों आई? तेरी बेटी लाई होती तो कितना अच्छा होता। लड़की ने मन्नत मांगी थी इसलिए मंदिर गई है। एक घंटे बाद चली जाती तो क्या होता? एक घंटे बाद वो निकल जाता। वो कौन है? पंडित है ना वो, एक घंटे बाद जाती तो मंदिर बंद हो जाता। मेरी बेटी है ना बहुत भक्ति भाव वाली है। यहाँ भी मंदिर है, वहाँ भी मंदिर है और बीच में नदी है। इंद्रधनुष बहुत सुंदर है जैसा कि उसने कहा था। वो कहाँ है? कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। अब तो विश्वास करती हो ना कि ये बारिश हमें मिलाना चाहती है? मैंने विश्वास कर लिया मगर तुम्हें पूरी तरह विश्वास नहीं है। ऐसा क्यों? इतने करीब आकर भी कितनी दूर खड़े हो। मैं इस बारिश की कसम खाकर कहता हूं तुम हमेशा इसी तरह मेरे दिल में रहोगी। ये अंगूठी हमारे प्यार की निशानी है। तुम्हें भी एक वादा करना होगा, जब कभी भी बारिश होगी तुम इसी तरह मुझे अपनी बाहों में भर लोगी, हमेशा ऐसे ही रहोगी। वन टू थ्री। कहां कहां से हीरोइन बनने चली आती है? कहां से लेकर आए डायरेक्टर इस हीरोइन को? शूटिंग हो रही है, देखने चले? चलो पूछो क्या, जल्दी करो ना। सर सर इस लड़की को देखो सर, अगर ये लड़की ने हमारी फिल्म में काम कर लिया तो सुपर हिट हो जाएगी हमारी फिल्म, सिल्वर जुबली हो जाएगी सर, सर गोल्डन जुबली हो जाएगी। हाँ सर सर देखिए सर, अरे हाँ, सर देखिए तो बहुत सुंदर है। सर फोटोग्राफर जल्दी से उसके चार फोटो निकाल। देखो भोला यादव जी किसकी किस्मत पे क्या लिखा है ये कोई नहीं जानता। देखो सिमरन हीरोइन बन गई, उसकी माँ महंगी कार में घूमती है। रीमा भी हीरोइन बन गई, उसका भाई भी महंगी कार में घूमता है। रंभा रंभा भी हीरोइन बन गई, उसका भाई भी महंगी कार में घूम रहा है। सबके माँ भाई बहन घूम रहे हैं, बाप किसी का नहीं घूम रहा है, है। एक्सेप्ट करोगे तो तुम ही बनोगे। मैं बनूंगा क्या? मेरी बात मानकर अपनी बेटी को हीरोइन बनने दो। एक कार क्या, कई कारें होंगी तुम्हारे पास, करोड़ों रुपया, बंगला, बैंक बैलेंस भी काफी होगा तुम्हारे पास। करोड़ों रुपया भोला यादव जी? करोड़ों? हाँ जी ये सच है, सच है भोला यादव, अब करोड़पति यादव। साहब जी मेरी बेटी को आपके जिम्मे छोड़ता हूँ, उसको स्टार बनाकर मेरी लाइफ बना दो। तुम्हारे पास सिगरेट है क्या? अब मजाक बंद करो, बस करो। दूसरे का प्रॉब्लम मजाक लगता है तुमको तो? प्रॉब्लम बताएगा तब पता चलेगा ना। मेरे लिए शादी के दो रिश्ते आए, उसमें से एक बहुत अच्छी है, डबल ए में, मुझे बहुत पसंद करती है और बहुत पैसे वाली है, बहुत पैसे वाली है भाई वो। पैसे का क्या मतलब है स्टूपिड? जो लड़की तुझे पसंद कर रही है उसे शादी कर ले, जिंदगी बहुत सुखी रहेगा। अरे यार तू मेरा दोस्त है। अरे उस लड़की का पता देना यार। ए वाटर वाटर वाटर। क्या हुआ?
लगता है तुम्हारा कोई चाहने वाला तुम्हें याद कर रहा है। वो तो पास में है पर वजह पता नहीं। बाजू में बैठा हो या कहीं दूर हो चाहने वाला याद करता है। अच्छा ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ रहे हैं, हम लोग कहीं दूर चले जाते हैं चलो। अरे भोला यादव आ रहा है। हाँ? अरे बाप रे पिताजी। पिताजी कहाँ है? वो स्कूटर के पास। ये तुम्हारे पिताजी है? ये तुम्हारे पिताजी है? अरे यार कुछ करो, हम दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। मेरे पिताजी को जानते हो क्या? सलीम हाय, मेरे सामने से रिक्शा आ रहा है उसे रोको। अरे उन्हें सामने इधर जा रहा। रुको 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 मैं जा रही हूँ। चलो चलो चलो। अच्छा चलती हूँ। मीटर सही है ना? 5 रुपए मीटर लगता है। क्या सलीम, पेट्रोल पंप का गैंग क्या कर रहा है? क्या यादव जी, भोला जी कैसे आप? मैं अच्छा हूँ। क्या मैं अंगूठी चोरी करने वाला दिख रहा हूँ? अगर ये असली होती तो मैं कब का बेच नहीं देता। और वो अनारकली मिली क्या? तुम्हारे सहयोग से मिल गई है। अच्छा, फिल्म देख के सारे दिन लड़की के पीछे घूम रहे हो? वो सब कुछ तो अभी अभी समाप्त हुआ है। तो शादी कब कर रहे हो? अगर आप सपोर्ट करेंगे तो, मेरा मतलब है उसका बाप सपोर्ट करेगा तो। अरे उसका बाप क्या कर लेगा, तुम लड़की को लेकर भाग जाओ, बाद में बाप को अकल आ जाएगी तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। सर आप कितने महान है पता है? क्या नहीं पता, इसलिए मैंने कहा ना मुझे तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं। सलीम जरा किक मार के गाड़ी स्टार्ट करो। ठीक है, ठीक है। उससे पाने के लिए ये कुछ भी करेगा। इसकी उंगली में कैसे? ए अंगूठी तो बहुत अच्छी है। क्या है? ऐसी अंगूठी मैंने अपनी लड़की के लिए बनवाई थी, उसने घुमा दी। कहीं वो यही तो नहीं है? मैंने तो मजाक किया, देखो लड़कियों की अंगूठी पहने हो अच्छी नहीं लगती, इसे उतार दो। हाँ उतार दो। ओ, प्रेम है। लव हो गया है। उसके बाप का कुछ सॉलिड बैकग्राउंड हुआ ना तो वो तुम्हारे हाथ पैर भी तुड़वा देगा। वो हाथ पैर तोड़े इससे पहले मैं उसका सिर काट दूंगा। बाय। कहीं मेरी बेटी तो उसकी अनारकली नहीं है? अब क्या वो फिल्मों में काम करने के लिए तैयार होगी? ए! सब बाहर आओ, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने अपना उधार वापस करने के लिए मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर यह नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी मिट्टी में मिल जाएगी और मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हे भगवान मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। तुम लोग आज रोकोगे कल रोकोगे परसों रोकोगे लेकिन तुम मुझे रोक नहीं सकते। मर के रहूंगा, मेरी बात को नहीं मानना। पिताजी शांत हो जाओ, मेरी बात तो सुनिए। मैं मानूंगी। मानोगी? हाँ मानूंगी। सर पर हाथ रखकर कसम खाओ अपने बाप की हर बात को मानोगी? मानूंगी मानूंगी, मैं कसम खाती हूँ मानूंगी। फिल्मों में काम करोगी? फिल्मों में काम कर। नो 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 नो, देखो ऐसा नहीं, ऐसा करो एकदम टाइट करो या कुछ और जो फिल्म की तरह अभिनय करा करा कर फोटो निकलवा रहा है। देखो मैंने पैसा बहुत मेहनत से कमाया है, इस तरह से पैसा फालतू खर्च मत करो। एक्सक्यूज मी, नो स्मोकिंग सर, हीरोइन का फादर हूँ। वो ठीक है लेकिन पीना है तो बाहर जाके पीजिए। वैसा करो इस तरह से। हाँ फिल्म को हिट होने दे फिर बताता हूँ। अरे क्या देख रहा है, कैसे फोटो निकाल रहा है, क्या कर रहा है तू? ऐसे हाँ जरा क्लोज में लो, क्लोज में फोटो। हाँ अरे क्या कर रहा है तू? हाय सलीम, यहाँ कैसे? अनारकली से मिलने आया हूँ। अनारकली कहाँ है, किधर है, दिखो। ए, गेम मत खेलो, सीधी बात करो, अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दो। ए क्या रे? अच्छा मजाक कर लेता रे तू। अब सुन,
मेरी बेटी फिल्मों की हीरोइन बन रही है। फिल्मों की हीरोइन, तेरे जैसे लफंगे की गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। वो कहा तू कहा, सुन, तू उसकी परछाई को भी नहीं छू सकेगा। क्या कहा? उसकी परछाई को भी नहीं छू सकेगा। ए, 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 कहा जा रहा है? अंदर शूटिंग चल रही है। ए, सलीम रुक जा, अंदर कहा जा रहा है? अरे ऐसे नहीं, थोड़ा खोल ले दो। हाँ, टाइट क्लोज में, टाइट क्लोज में। हाँ, अरे अरे क्या करता है? सलीम, सलीम, अरे रोको इसको, अरे रोको, अरे रोको इसको भाई, कट 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 कट, अरे रोको, अरे बैक अप, बैक अप। तुमने कहा था ना मैं परछाई भी नहीं छू सकता। मैं शीलू से शादी करूंगा। विजय वेट्स शीलू। अगर शीलू की मर्जी के खिलाफ किसी ने कोई काम करवाया तो विजय उससे खत्म कर देगा। यस सर, फुल बैकअप। ची 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 ची, मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। सबके सामने आकर वो तुम्हें किस करके चला गया और तुम उसका मजा लेते रही और तुम भी उसको किस करती रही। हाँ? मैं तो शर्मिंदा हो गया, शर्मिंदा हो गया मैं। क्या री, तूने अपनी माँ की कसम खाई थी ना? तेरी माँ से बढ़कर हो गया तुझे? माँ की कसम खाई थी फिल्म में एक्टिंग करने के लिए, विजय को भूल जाने के लिए नहीं। बर्दाश्त से बाहर आप सब। अब मेरा जिंदा रहना बेकार है। सुन, कढ़ाई को अलग रख, मैं गैस पर जलकर मर जाऊंगा। हाँ योरी, मैंने कार तूने हटा दी? आप ही ने तो कहा था। आओ चलो, तुम लोग बाहर चलो, उसे आराम से आत्महत्या करने दो। तुम लोग चलो यहाँ से। क्या रे, अगर मैं मर जाऊंगा तुम्हें अच्छा लगेगा? ये देखो, सौ करोड़ के दरिद्र आदमी के अंदर हजारों प्लान होते हैं। भवानी, भोला यादव आया है, बुलाओ उसे। ए, इधर आओ। साहब जी, भवानी जी, आप भगवान हो, आप मेरी बेटी की रक्षा कर सकते हो। मैं आपके पांव पड़ता हूँ, मेरी बेटी को बचा लो। मेरी इकलौती बेटी है, उसे गुड़िया की तरह पाल पोस का बड़ा। मेरा बेटा भी तुम्हारी बेटी को दिल से चाहता है और वो उसे इस घर की बहू बनाना चाहता है। अगर तुम हाँ बोलो तो उल्टा तुम्हें 10 लाख रुपया भी देने को तैयार है। वहाँ मुझे करोड़ों मिल रहे हैं, इनके लाखों का क्या करूँ? इन लोगों के हाथों से सलीम को हटवा देता हूँ, फिर बाद में देखेंगे। अरे साहब जी, मेरे 10 लाख किधर है, कहाँ है? ये रहा। बाबा, साहब जी, मुझे भगवान ने एक्स्ट्रा दिमाग नहीं दिया। अगर दिया होता तो मैं तो उसी समय दोनों को मिला देता। लेकिन आपकी जांच पूरी नहीं हो सकती, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? एक आदमी की नजर में ही लड़की पर है, मैं क्या करूं? साहब, मैं इंसाफ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो कमाल के उस आदमी की बात कर रहा हूँ। वो प्यार प्यार करके मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है, मैं क्या करूं? कौन है वो? नाम विजय, 6 फुट की हाइट है, स्मार्ट बन कर रहता है, यही उसकी प्रॉब्लम है। है। हाँ भाई, मैं देख लूंगा। थैंक यू। एक और चाहिए? एक बहुत हो गया मेरे लिए। ए, विजय तेरा नाम है क्या? हाँ मैं हूँ। भाई ने बुलाया, चल गाड़ी में बैठ। कौन भाई? इस इलाके में एक ही भाई है, उसका नाम है भवानी। जीप में बैठ। भवानी को मुझसे क्या काम है? ए, भाई को तेरे से काम है। मेरे साथ बच्चा है, पहले बच्चे को घर ड्रॉप कर दूं, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलता। कैसा आदमी है तू? समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आता क्या? चल बच्चे को इसको गाड़ी में डालो। हमने ऐसा क्या किया जो तू फाइव पे उतर आया? तेरे को चलने को बोला ना। सॉरी सॉरी, मैंने कहा आऊंगा तो आऊंगा, बच्चे को
बच्चे को हाथ मत लगाना प्लीज। अरे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसका कपड़ा ठीक कर रहा हूँ। अरे कहता हूँ जाना जाना आ जा। अरे तेरे को बोला ना जाना, अरे जाता क्यों नहीं? कैसा आदमी है, इसको समझ में ही नहीं आता। सही भाई बोला, सही। आजा, चल चल आजा। ए, मैं बच्चे को कुछ कर रहा हूँ। हाँ तू मामा के पास जाएगा, जा ये ले जा। बच्चा मुझे दे दो, लेना बच्चा दो, मुझे दो प्लीज, बच्चे को छोड़ दो। पता मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, प्लीज प्लीज बच्चा दे दो। मिला तेरे को बच्चा, सुपर कैश लिया। Come on!
मैं तुझे मार डालूं। निकल जा यहां से। भाई बोला ना निकाल। चाचा ए, तूने तो उसे मार कर छोड़ दिया। अगर मैं होता तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। मेरा नाम गन है, शेर का दिल रखता हूँ मैं। ए तलवार निकाल दे, काट डालूंगा उसे। अरे बादो, 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 भवानी आगे, भवानी के हाथ में आ ये ले और फोड़ डाल उसको। आज गुरुवार है, साईं बाबा का दिन है। भवानी जो सही सलामत बैठा है शायद वही है। मैं बात करके आता हूं। हम लोगों ने बुलाया तो तुम आए नहीं, हम लोग ही यहां पर चले आए। तूने सुना नहीं क्या? ए हाँ भाई, तुम्हारे आदमियों को मैंने मारा है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुमने बुलाया, मैंने कहा आऊंगा, मगर बच्चे को घर में छोड़ने के बाद फिर भी उन्होंने भांजे को हाथ लगाया। मेरे भांजे को हाथ लगाने वाले के हाथ काट दूंगा मैं। चाचा जी देखो बेटा, मैं उम्र में बड़ा हूं, बोल रहा हूं, उस लड़की को भूल जाओ। कौन सी लड़की? अरे वही शीलू। शीलू को क्यों? क्या बोला रे, शीलू को मेरा बेटा दिल से पसंद करता है। ए बनारस में ही रहो। मुगल सराय। ए चुप रह। क्यों अंकल? तुम्हारा बेटा शीलू को चाहता है, लेकिन शीलू क्या तुम्हारे बेटे को चाहती है? उसके ना चाहने से क्या, मेरा बेटा चाहता है बस, यही ठीक है। ऐसे कैसे ठीक है? कुछ ठीक नहीं है। तुम्हारा बेटा शीलू से प्यार करता है और मैं भी शीलू से प्यार करता हूँ, मगर शीलू मुझे प्यार करती है। शीलू मेरी है, छोटा हूं इसलिए कहता हूं, इज्जत से चले जाओ। शीलू मेरी है। कट। शीलू के लिए मैं 10 बार मर सकता हूं, तू क्या 1 बार मर सकता है? मैं तैयार हूं, तू तैयार है? अर्जेंट इसीलिए बुलाया ताकि आप इसको कुछ समझा सके, पर आपने तो इसको सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। अरे भाई तुम शांत रहो, मैं समझाता हूँ इसे। क्यों रे, तुमने उन गुंडों से झगड़ा क्यों लिया? लड़की उसे पसंद है तो तू बीच में क्यों आया? मैं उनके बीच में नहीं, वो हमारे बीच में आ रहा है। देखा आपने कैसे चप्पड़ चप्पड़ बात कर रहा है। ए, तुम एक काम करो, तुम यहाँ बिल्कुल नहीं रहोगे, तुम मेरे साथ चलो। मैं नहीं चलूंगा। ए, तुम इस तरह फालतू बात मत करो मुझसे, यहाँ रहकर गुंडों से झगड़ा करते रहते हो। गुंडा बोल बोल कर क्या मुझे डरा रहे हैं? क्या गुंडों के सींग होते हैं? वो चाहे कितना भी बड़ा गुंडा क्यों ना हो, अगर वो मुझसे झगड़ा करने आएगा तो मैं उससे बड़ा गुंडा बन सकता हूँ, समझे?
बचपन में दूध पीते समय मैंने अपनी माँ को मारा तो माँ ने मुझे नहीं मारा, जवान होते ही अपने बाप को लात मारी, उन्होंने भी नहीं मारा। उसे वहां जिंदा छोड़कर नहीं आना चाहिए था, उसको काट डालना चाहिए था। तू उसे क्या काटता रे, वो खुद बोला कि उस लड़की के लिए हर जन्म में मरने को तैयार है। अगर उसे मैं वहां काटता तो वो उस लड़की के नजर में हीरो बन जाता। वो हीरो नहीं बनना चाहिए, हीरो नहीं बनना चाहिए, हीरो नहीं बनना चाहिए। शीलू मेरी है। लक्ष्मी जी आप जल्दी ही हमारे घर में पधारो। लो आरती ले लो। इस तरह क्यों देख रही हो? मैं सचमुच बदल गया हूं बेटी, भगवान कसम। अरे 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 आ इधर आ। शीलू मैंने ना सब गलत काम छोड़ दिए। सुन बेटा मैं गलत आदमी नहीं हूं, बैठो इधर। जिंदगी में पहली बार मैंने पूजा की है, लक्ष्मी जी की पूजा, विनायक जी की पूजा, विष्णु जी की पूजा करके मैंने दिल से यह निर्णय लिया है कि मैं तुम्हारी और विजय की शादी करवा के रहूंगा। तुम मुझे समझ नहीं पा रही हो। तुम्हारे प्यार के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, वो क्या है मेरे और उसके बीच में आखिर अंतर ही क्या है, हैं? हैं? मैं घूमने फिरने वाला हूँ, वो भी घूमने फिरने वाला है। ये लो गंगा जल लो। मैं क्लब में घूमता रहता हूँ और विजय पेट्रोल पंप के पीछे घूमता है। मुझे इस बात की कोई शर्म नहीं है कि मैं उधार लेकर भी घर चला लिया करता हूँ, लेकिन उसके अंदर गुस्सा ज्यादा है। वो क्या करता है? वो पैसे कहाँ से लाएगा? कैसे तुमको रखेगा? हाँ ये लो प्रसाद लो। किराए के मकान में रहने वालों को तुम्हारे प्यार की समझ नहीं है। महीना पूरा होते ही किराया देना पड़ता है, दूध का बिल, किराने का बिल, ये वो, किसी को तुम्हारे प्यार से मतलब नहीं। पैसा पूछेगा कैसे दोगे? अभी जो भी मैंने कहा क्या वो गलत है क्या? वो भी तो कोशिश कर रहा है ना, ऐसे तो बैठा नहीं रहेगा। जॉब नहीं मिल रही तो है ना, मैं भी वही कह रहा हूँ। एक काम करो, नौकरी मैं उसे दिलवाता हूँ, वो करेगा क्या? अगर वो मान मर्द जो हैं अपने कान में लगाते हैं, ये लो विजय को लगा दो। हाँ लो ये प्लेट देखो, दामाद जी मानते हैं या नहीं? क्या पता, मैं नहीं कह सकती। मुझे पता है वो नहीं मानेगा। क्या तुम्हारे पिताजी मुझे नौकरी दिलाएंगे? अपनी तरह पत्ते खेलने की नौकरी दिलाएंगे? विजय बी सीरियस। ओ मेरे पिताजी तुम्हें सीमेंट फैक्ट्री में असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी दिलवा रहे हैं। मुझे नहीं चाहिए। क्यों? वो नौकरी मेरे पिताजी दिला रहे हैं इसलिए। यस। अगर नौकरी नहीं करोगे तो मुझे कैसे रखोगे? और कोई भी ये कहता तो चलता, मगर तुम तो मत बोलो। तुम्हें इस बात पर विश्वास है ना कि बारिश ने हम दोनों को मिलवाया? फिर इस पर यकीन क्यों नहीं है कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठा सकता हूँ? हाँ मगर मुझे कैसे रखोगे? बैंक जाऊंगा, मैं चोरी करूंगा, डकैती डालूंगा, लेकिन तुम्हें खुश रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी बात ए, तुम चाहती हो मैं नौकरी करूं तो 24 घंटे में नौकरी तलाश करके तुम्हारे घर आऊंगा। ओके अपनी बेटी को यह कह कहकर भड़काया था ना कि मेरे पास नौकरी नहीं है, मुझे नौकरी मिल गई। ड्राइवर की 25 गाड़ियों का सुपरवाइजर, सिटी ट्रांसपोर्ट कंपनी, 10,000 रुपए सैलरी, इतना काफी है तुम्हारी बेटी की जिम्मेदारी उठाने के लिए? अगर मेरा हाथ चल पड़ा तो एक ही दिन में ये 10,000 रुपए मैं कमा सकता हूँ। देखा बेटी, मैंने कल कहा और आज इसने नौकरी तलाश कर ली। मुझे मालूम था तुम बहुत अच्छे हो, मेरे कहने पे नौकरी तलाश की, मंजूर है तुम्हारी शादी? मुझे मंजूर है। अरे ऐसे खड़ी क्या देख रही हो, दामाद जी को अंदर लेकर जाओ ना, मैं जाकर शादी के कार्ड छपा के लाता हूँ। क्या है मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही,
क्या तुम अपनी गाड़ी में छोड़ दोगे? तुम ड्राइवर नहीं हो ना? जाने दो, मैं खुद चला लेता हूँ। हाय, कैसी हो? रात में मुझे बहुत अच्छा सपना आया, हम दोनों की शादी हो गई है। सच कह रहे हो? सपना मैंने भी देखा, शादी हमारी हुई सुहागरात सलमान खान के साथ हुई। लगता है मेरी शादी नहीं होगी। अगर मैं ना करती हूँ तो शहर में बहुत सारी लड़कियाँ हैं। तुम्हारी जैसी मीडियम लड़की जब मेरा चेहरा पसंद नहीं करती तो उन्हें क्या आएगा? पूर्व जन्म में मेरे गाल दीवार थे क्या? जो आता है वही मार जाता है। अरे घन, चल इधर आना। इधर आऊँ? अरे हाँ, उधर ले जाकर मारेगा क्या? नहीं नहीं। अरे सॉरी, जानती थी ऐसी हरकतें करोगी, इसलिए कहा था बाहर बैठते हैं। नहीं करूंगा, मैं जा रही हूँ। अरे एक मिनट रुको तो, कार्ड का सिलेक्शन करना है। वो बाहर बैठकर भी कर सकते हैं ना? अब कुछ नहीं करूंगा, बैठ तो जाओ। तुम पर विश्वास नहीं है। ये कार्ड कैसा है? छी, ये अच्छा नहीं है। ये अच्छा है क्या? स्टॉप करो। सॉरी सर। विजय तुम ही हो क्या? क्या काम है सर? चलो जीप में बैठो। क्यों सर? पुलिस स्टेशन चलो, बताता हूँ। एक मिनट रुकिए सर, मैंने क्या गलत काम किया है? तुम नशा करने वालों को ड्रग सप्लाई का काम करते हो ना? क्या कहा? ड्रग सप्लाई? ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं सिटी ट्रांसपोर्ट कंपनी में सुपरवाइजर की नौकरी करता हूँ। तुम्हारा नाम तुम्हारे मालिक ने बोला है। मान जाओ विजय, मैंने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया है, नहीं तो पुलिस मारेगी। मार डालूंगा। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है सर, ये झूठ बोल रहा है सर। तुम बोलो। हाँ बोलता हूँ। देखो उस दिन तुमने अपने लवर को बोला था मैं कोई भी काम करूंगा और पैसा कमाऊंगा। मैंने तुम्हें अपने बिजनेस के बारे में साफ साफ बताया था, हर महीने तुम्हें 10,000 रुपए सैलरी के रूप में दूंगा, और तुम इनकार करते हो, कहते हो कि ये सब मैं नहीं करता। झूठ बोलते हो तुम मुझसे। मैं गुनहगार नहीं हूं, पर आप यूनिफॉर्म में, इसलिए आपके साथ चलूंगा। चल बैठ। बेटी फिकर मत करो, दमाजी को कुछ नहीं होगा। मैं जो उसे नौकरी दिलवा रहा था उसे छोड़कर उसने जाकर दूसरी नौकरी कर ली, मैं क्या करूं? ईगो, बहुत बड़ी ईगो। उसने गलत नौकरी में हाथ डाला तो फंस गया। इंसान के अंदर इतना ईगो नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए। हाँ, मेरी प्रॉब्लम है, मैं कैसे भी करके उसको बाहर निकालूंगा, कैसे भी करके पता नहीं कैसे निकालूं। डायरेक्ट होम मिनिस्टर से बात करता हूँ, यही सही रहेगा, छोटे छोटे लोगों से काम नहीं होगा। ड्रग्स का केस है ना, 6 महीने या 7 महीने की सजा होगी। हेलो, होम मिनिस्टर है क्या? हाँ, मैं होम मिनिस्टर ही बोल रहा हूँ, बोलो क्या काम है मुझसे।
जी मैं भोला यादव बोल रहा हूँ। वो क्या है ना, एक छोटा सा काम है, मेरा होने वाला जो दामाद है वो एक छोटी सी प्रॉब्लम में फंस गया है। वो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसको बाहर निकलवा दूंगा, आप चिंता मत करें, डोंट वरी। पिताजी नौकरी दिला रहे थे तो गुस्से में आकर हंस रहे थे, अब क्या हुआ, सारी दुनिया हम पर हंस रही है। इतना ईगो होना अच्छी बात नहीं है विजय, पागल हो तुम। किस्मत अच्छी थी जो तुम बाहर आ गए, अगर कुछ हो जाता तो। शीलू तुम समझ नहीं रही हो, हम दोनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए तुम्हारे पिता और भवानी ने मिलकर ड्रामा खेला है, ड्रामा। क्यों मेरे पिताजी पर इल्जाम लगा रहे हो, उन्होंने ही सबके हाथ पैर जोड़कर तुम्हें बाहर निकलवाया है, वरना जो इल्जाम तुम पर लगा था उसमें 5 साल की सजा हो जाती। अगर उन्हें हमें अलग ही करना होता तो तुम्हें बाहर क्यों निकालते। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया इसलिए तुम मुझे गलत समझ रही हो। जो भी हुआ उसे भूल जाओ। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने गलत किया? देखो मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। शीलू, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई गलत काम कर सकता हूँ? देखो विजय, मुझे क्या लगता है और क्या नहीं लगता इसे कोई। बस अब तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम पिताजी के बहकावे में आ गई हो इसलिए तुम मुझ पर यकीन भी नहीं कर पा रही हो। अगर यकीन नहीं है तो प्यार भी नहीं रहेगा, और प्यार नहीं है तो मैं यहां रहकर क्या करूंगा। इतनी छोटी बात को लेकर तुम चाचा के पास क्यों जा रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें मालूम है पति पत्नियों में और प्रेमियों में नोकझोंक तो होती रहती है, ये तो चलती रहता है। आपके लिए छोटी बात है मगर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा इसीलिए जा रहे हो, उसे समझा कर तो देखो, बात करके देखो। क्या बात करूं उससे, वो कोई छोटी बच्ची है, उसे समझ में नहीं आता क्या? इतना भी गुस्सा ठीक नहीं। दीदी पैर पकड़कर मैं उससे माफी नहीं मांगूंगा, अगर वो मुझसे प्यार करती है तो मेरे पास आएगी। क्या हुआ बेटी, बताओ तो सही, तू भी बहुत झगड़ा करती रहती है। अगर वो बहुत गुस्से में था तो तुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी उससे। अगर झगड़ा बढ़ाओ तो बढ़ जाता है बेटी, और नहीं करो तो सब ठीक हो जाता है। इतनी मेहनत करके दोनों को अलग किया है और ये बुढ़िया जो है दोनों को एक करने में लगी हुई है। अब क्या सोच रही हो बेटी, जाओ। शीलू तुम यहाँ पर हो और उधर दमाजी गांव जा रहे हैं। अरे तुम रुको ना, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। चोट कैसे लगी पिताजी? विजय गांव जा रहा है, दमाजी बहुत गुस्से में। अरे तुम चलो ना। क्या बात है पिताजी? वो गांव ना जाए ऐसा मैं उसको समझा रहा था, कितनी मैंने उसको रिक्वेस्ट की, आखिर उसके पैर भी पकड़ लिए। अरे हम हाथ जोड़कर मैंने उसकी कितनी मेहनत की, वो नहीं माना। उसने सबके सामने मुझे इतनी जोर की लात मारी कि जाने दो, लग गया तो लग गया, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन उसने तुम्हें भी अपने दिल से निकाल दिया और ये अंगूठी जमीन पर फेंक दी। ये फेंकी जमीन पर उसने निकाल कर। इस बारिश की कसम खाकर कहता हूं कि मैं तुम्हें और इस अंगूठी को हमेशा दिल से लगाकर रखूंगा। तुम भी एक वादा करो, जब भी बारिश होगी तुम मेरी बाहों में होगी। जाने दो, वो मर्द है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम तो हम लोगों की है। बेटी तुम जाकर उसकी बहन के हाथ पर जोड़ो। मैं नहीं जाऊंगी। जोड़ो ना। मैं नहीं जाऊंगी पिताजी, अगर उसे जाना ही है तो उसके हाथ पैर जोड़कर मैं उसे रोकने वाली नहीं हूँ। अगर उसे मुझसे प्यार है तो वो खुद मेरे पास आएगा। जाने वाला जाते जाते भवानी से दुश्मनी कर गया है, वो भवानी जी उसका गुस्सा मेरी बेटी और मेरे पे निकालेगा। मैंने जो उससे उधारी ली है वो अभी वापस मांग रहा है, अगर नहीं दिया तो कह रहा है कि अपनी बेटी की शादी उससे करा दूं। मैं अपनी बेटी की शादी उससे करवाने से अच्छा फांसी लगाकर मर जाऊंगा, लेकिन मैं तुम लोगों के लिए जिंदा हूँ। अभी क्या करेंगे जी? कैसे बोले तो वो प्रोड्यूसर पैसा देने के लिए मेरे पीछे पड़ा हुआ है, अगर मेरी बेटी हीरोइन बन जाए तो उसका पैसा उसके मुंह पर फेंक दूंगा। हाँ? लेकिन अभी दमाजी यहाँ से चले गए, उसके दिलो दिमाग में वही है, मैं उससे कैसे पूछूंगा। पिताजी बेटी मैं फिल्म में एक्टिंग करने को तैयार हूँ, और जो पैसा है उसे उधारी चुका देना।
अरे रे, खून टपक। अरे छोड़ो, रहने दो। खाम खाम। अरे कौन है? प्रोड्यूसर है। हेलो, मैं हूँ प्रोड्यूसर साहब। नमस्कार, एडवांस के लिए कब बुला रहे हैं? तुम बनारस में हो क्या? अरे बनारस क्या है, अभी बनारस छोड़कर वहीं आ रहा हूँ। बाय बाय बनारस, बाय बाय भवानी। ए, ए, हमारा विजय आ गया रे। कैसा रहता है ना? सब ठीक है ना? ए चलो रे, आप क्या सोचना, जो होना होगा वो होकर आएगा। एक टैंक का पेट्रोल ले जाकर सारे घर में आग लगाकर शिलू को लेकर आएंगे। ए, शर्म नहीं आती क्या? वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, वो पूरे बनारस एरिया में सबसे पावरफुल आदमी है। हम ऑफ करेंगे उसका पावर। भवानी सोचता है कि शीलू को उसके घर से उठाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता, इसलिए हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे, परफेक्ट प्लान बनाकर जाएंगे। शीलू को वहां से निकालना ही है। हे प्रभु राम, दानवराज रावण से आकर मुझे बचा लो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। मेरे प्रभु, आप तो जानते हैं मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। मुझे बचा लो राम, मुझे इस रावण से बचा लो। हे राम, हे लक्ष्मण, मेरी जान बचा। भवानी मेरी सुन, मुझे इस दानव से वो लड़की खाना नहीं खा रही है। वो तुमसे शादी कैसे करेगी? किस तरह से रखोगे उसे तुम? हे जीते, पुकार ले पुकार ले, राम को कितना भी पुकार ले वो नहीं आने वाला। रावण के हाथ से नहीं छुड़ा सकता तुझे। नहीं, हाथ में मेहंदी लगाओगी तो बहुत लाल रचेगी, पैर में पायल पहनोगी तो अच्छा लगेगा। हाथों में खून लगाना अच्छी बात नहीं। मैं चाहूं तो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन मेरे पिताजी ने मरने से पहले कहा था औरतों की हाय नहीं लेनी चाहिए, इसीलिए अभी तक मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन मैं तुमसे शादी करूंगा। लेकिन मैं तुम्हें नहीं चाहती। तो फिर किसे चाहती हो? जो छोड़कर भाग गया विजय, उसको चाहती हो क्या? उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हो तुम? अगर तुम थूक दोगी तो भी मैं उसे चाट लूंगा। जरा मेरे बारे में सोचो, अपने दिल को समझाओ। मुझे अपने दिल को समझाने की जरूरत नहीं है, तुम समझो। तुम चाहे कितना भी बोलो, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं आएगा, तुम पर तो मुझे हमेशा प्यार ही आएगा। तुम लड़कियां खतरनाक मर्द को भी अपने वश में कर लेती हो, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं तुमसे कल ही शादी करूंगा, मंडप में बैठने से पहले तक का समय दे रहा हूँ। तुम अपने आप को मेरे लिए समझा लो, ये मेरा फैसला है। ऐसा इस जन्म में नहीं हो सकता। जरूर होगा। नहीं होगा। लगता है तुमने रामायण कभी भी नहीं सुनी। सीता जी को भी रावण उठा कर ले आया था, उसका अंजाम नहीं पता तुम्हें? होश में आओ। सीता का हरण करने वाले रावण आज तेरा बध हो जाएगा। ए, क्या तू है राम? सीता का मंगलसूत्र निकाल कर रावण को दे, वो पहनाएगा। चल निकाल। ए, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? सीता के गले से राम मंगलसूत्र कैसे निकालेगा? जल्दी कर। सर ये बहुत बड़ा पाप है, मैं नहीं कर सकता। ए, निकाल। देखा, लाइट चली गई, ये सब करना पाप है। ए, ये पाप नहीं है, जाकर देख लाइट क्यों बंद हो गई। जा। राम बचाने आ गए। Thank you.
ए मगन इधर आ। आता हूँ भाई। सारे लाइट वाले किधर गए? भाई बुलाया उनको, फ्यूज चेक किया क्या? हाँ भाई। आप जाकर ट्रांसफार्मर चेक करो। चलो ए जल्दी करो। करता हूँ भाई। अरे यहाँ से कनेक्शन ऑफ है। हाँ हाँ चल चालू कर। चलो आगे देखते हैं क्या फॉल्ट है। ये लालटेन ले जाकर भवानी के रूम में रखो। हाँ जी रखता हूँ। Oh!
निकाल। सब ठीक हो ना? जल्दी यहां से चलो चलो चलो। हम लोग एक घंटे से खड़े हैं, अभी तक एक भी ट्रेन नहीं आई। मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है कि आज कोई गाड़ी आएगी कि नहीं। ए चुप कर, तू टेंशन मत ले। अरे यार टेंशन मेरी नहीं है, शिलू की है। सब पता कर लिया है, इस समय कोई भी ट्रेन नहीं है सिवाय एक मालगाड़ी के, और वो भी यहाँ रुकेगी नहीं। अरे गन और विजय अभी तक नहीं आए तो जाएंगे कैसे? ए विजय ने कहा था अगर मैं ना हूँ तो शिलू को लेकर चले जाना तुम। ऐसा है क्या? जब तक विजय नहीं मैं कहीं भी नहीं जाने वाली। हेलो विजय आ गया, विजय आ गया। अरे विजय ठीक तो है ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना विजय? विजय सब ठीक है ना? ट्रेन कब आएगी? एक मालगाड़ी आ रही है, उसका टाइम हो गया है, हमें उस पर चढ़ना है। तुम लोग नहीं, हम दोनों जाएंगे। ऐसे कैसे होगा, हम लोग भी जाएंगे। जो कहा है उतना सुनो, अभी तक जो तुमने मेरे लिए किया है वही बहुत है, अब तुम लोग जाओ यहाँ से। अरे इस हालत में तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जाएंगे? उधर देख। तुम लोग जाओ यहाँ से, तुम्हें छोड़कर नहीं, नहीं, नहीं जाएंगे। जाओ जाओ यहाँ से, जाओ।
भाई वो लड़का और लड़की दोनों जंगल में घुस गए हैं। भाई ने कहा है मुहूर्त से पहले उन दोनों को ढूंढ कर लाएगा, और अगर नहीं आया तो भाई ने कहा है कि वो कभी वापस नहीं आएगा। चल चाचा, मुझे दूल्हा बनाने की तैयारी कर।
तुझे क्या मालूम है, तू तो बच्चा है। तुझे जिंदा छोड़ता हूँ, अपने बाप के पास जा, भवानी से बोल उसकी मौत उसके सिर पर मंडरा रही है। क्या चाचा ऐसे क्यों घूर रहे हो, पागल दिख रहा हूँ क्या मैं? ए, एक दिन शीलू का दूल्हा तो मुझे ही बनना था चाचा। मेरा भाई काशी शीलू को लेकर आ ही रहा होगा, अपना खून है वो। टीका लगा। भाई काशी आ गया। चाचा मैंने कहा था ना काशी आएगा, शीलू को लेकर आएगा। काशी काशी, चाचा कहा था ना काशी लेकर आएगा, मैं जानता था तो उसे जरूर लेकर आएगा। भाई ऐसा होना चाहिए। बोल रहे कहाँ है वो, कहाँ है वो, कहाँ है वो, कहाँ है वो? भाई मुझे अपना मानकर आपने सब कुछ दिया, लेकिन मैं वो नहीं ला सका जिसकी आपको चाहत थी। उसने मुझे जिंदा छोड़ दिया तो मैं बचकर आ गया। उसने जो जीवन मुझे दिया है वो मुझे नहीं चाहिए। भाई मुझे दे, 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 मुझे दे, दे, बट, बट, भाई मुझे मार दो। ए, क्या बोला रे, हाँ पागल हो गया तू? चाचा देखो क्या कह रहा है, ये मर जाएगा, ये ए, ये मर जाएगा, ए, ये मत करना, ये गलत है, मरना गलत है। तू खुद नहीं मर सकता, तू खुद नहीं मर सकता, समझा? समझा। ये खुद बेवकूफ बनकर आया, मुझे बेवकूफ बनाता है। ए, रोना मत इसके लिए, रोना मत, रोना मत इसके लिए। ए बढ़िया इधर आ। टीका लगा। हेलो भवानी, नमस्ते। बोलो कैसे याद किया? मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। एक फोन किया होता तो मैं हजारों लोगों को तुम्हारे पास भेज देता, तुम क्यों आ रहे हो? एक आदमी को मारने के लिए। इतना रिस्क क्यों उठा रहे हो? सिर्फ बता दो, उसका एनकाउंटर करवा दूंगा। नहीं, मैं उसे अपने हाथों से सरे बाजार काट कर टुकड़े टुकड़े करूंगा। ओके, अगर इसी में तुम्हारी खुशी है तो करो। मेरा काम खत्म होने तक इस एरिया में कुछ भी होता है तो पुलिस थाने में एक भी रिपोर्ट नहीं लिखना चाहिए, और इस शहर में कोई लॉ ऑर्डर नहीं होना चाहिए। ओके, जैसा तुम कहोगे वैसा होगा, मैं फोन रखता हूँ। सुनो डीजीपी जी। सर इन 24 घंटों के अंदर शहर के किसी भी एरिया में कुछ भी होता है तो समझना कुछ नहीं हुआ। अरे हटो, अरे हटो, अरे उधर जाओ, हटो, आपके बेटे कुछ बोले, चलो हट हट, इतने बोलने का तुमसे। हम लोग तो अभी घूम फिर के लंदन से आ रहे हैं, पता नहीं किस किस की बातें सुनते रहते हो। चलो अंदर बताना, अंदर बताना। चलो बेटा आ गए तुम क्या? मैंने अपनी फिल्म में कुल मिलाकर 14 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अगर तुम लड़की को लेकर नहीं आते तो मेरे 14 करोड़ रुपए मिट्टी में मिल जाते। ए, देखो इसमें 10 लाख रुपए हैं, तुम लेकर जाओ इसे। 10 लाख नहीं, 3 लाख चाहिए बस। आ? कैसा आदमी है तू, मैं खुशी से ही दे रहा हूँ तुम्हें, तू कहता है 3 लाख ही चाहिए। ये 3 लाख रुपए कहीं पहुँचाने का इंतजाम कर सकते हैं प्लीज? ये खड़े होकर मुँह क्या देख रहा है, पैसा भेजने का इंतजाम करो, गो। ओके सर, तुम चिंता मत करो। क्यों बेटी विजय को देख रही हो? वो ऊपर है, प्रोड्यूसर से पैसे ले रहा है तुम्हें यहाँ पे सही सलामत वापस लाने का। कुछ झूठ बोलकर 2-4 लाख ज्यादा लेने की कोशिश कर रहा है। सच में बेटी, कसम से। मुझे और बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करिए, मेरी अंगूठी अभी भी उसके पास है। नकली अंगूठी दिखाकर हमें अलग कर दिया। आप कह रहे हैं वो मुझे यहाँ लाने के पैसे मांग रहा है? अगर मांग रहा है तो किसी अच्छे काम के लिए मांग रहा होगा। मैं आपकी बातों पर विश्वास नहीं करूंगी, मुझे बस विजय पर विश्वास है। ए, तू इतना ज्यादा मत बोल, मैं कह रहा हूँ तुझे हीरोइन बनाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है,
मुझसे ज्यादा वो हो गया तेरे लिए है? तू मेरी बात सुन, अभी फिल्म पूरी करनी है, चल प्रोड्यूसर के पास चल। रुक जा। छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो। शीलू मेरी है। प्यार को कभी चैलेंज मत करना। मेरी बेटी के बीच में आए तो काट के रख दूंगी। एक हो जाए इसलिए मैंने भगवान से मन्नत मांगी थी, वो मिल गए, अब मैं भगवान का शुक्रिया अदा करने जा रही हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। दामाद जी से मिलवाएगी? नहीं, चल मिला। मैं देख कर आती हूँ। कमीने हरामी, तूने साबित कर दिया कि तू मर्द का बच्चा नहीं है। मर्द होता तो धोखे से वार नहीं करता। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। कायर! ए, सुन मेरी बात। क्या मेरा भतीजा डिब्बे का दूध पीकर बड़ा हुआ है? क्या तुझे मार नहीं सकता? मेरा भतीजा शेर का बेटा है, शेर का। तुझे खड़े खड़े यहीं काट डालेगा। मेरा भतीजा अकेला लड़ेगा, अगर दम हो तो तू भी अकेला लड़। ए, जितने भी आदमी है बीच में कोई नहीं आएगा। सुना इन दोनों के, भवानी लगा दे इसे ठिकाने। तू मर्द का बच्चा है, इसे बता दे, छोड़ना मत। Thank you.
उसके साथ हैं, सभी लोग उसके साथ हैं, वो जीत गया है तुमसे। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो यहां से भाग चलो।